चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं 11th की पूरी केमिस्ट्री। तो सब कुछ हिंदी में होगा, जहाँ जहाँ इंग्लिश थोड़ी बोलनी पड़ेगी वहाँ बोल लेंगे, नहीं तो इन जर्नल नहीं बोलेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक, जो चैप्टर का नाम है वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो ये पूरा चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में ही होगा। तो एक अच्छी सी लाइन जो उसने यूज़ की है, जो मुझे लगता है हमें पढ़ना चाहिए, कि केमिस्ट्री इज अ साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। तो केमिस्ट्री जो है वो साइंस है जो डील करती है मॉलिक्यूल्स और उनके ट्रांसफॉर्मेशन पे, और ये हंड्रेड्स नहीं है, ये मिलियंस हैं। ठीक है, तो हम एक मॉलिक्यूल से दूसरा मॉलिक्यूल बना सकते हैं, उस मॉलिक्यूल को तोड़ के दूसरे मॉलिक्यूल बना सकते हैं, तो हमारे पास मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इसको एक और तरीके से तो आप समझ सकते हो कि केमिस्ट्री एक साइंस है जो डील करती है किसी भी सब्सटेंस की या किसी भी चीज की बनाने में, उसकी क्या फीचर्स हैं, क्या उसका स्ट्रक्चर्स है या उसकी क्या रिएक्शंस हैं। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि ये वाला जो पोर्शन है अब हमें थोड़ा सा स्किप करना चाहिए। तो सबसे पहला जो है स्टेट्स ऑफ मैटर। अब स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है, ये दो चीजों से डिसाइड होता है। एक है थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी का मतलब क्या है कि आपका रूम टेम्परेचर पे क्या उसके अंदर फोर्सेस ऑफ इट्रैक्शन हैं, क्या उसकी एनर्जी है, तो इनके बीच का जो भी इक्विलिब्रियम है वो डिसाइड करता है कि क्या उसकी स्टेट्स रहेंगी। वैसे तो टोटल पांच स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, लेकिन जस्ट टॉपिक वाइज हम लिक्विड गैस सॉलिड की बात करते हैं। अगर हमारे किसी भी सब्सटेंस में थर्मल एनर्जी और फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन नियरली करीब करीब रहेंगी, जैसे वाटर में ऑलमोस्ट फोर्सेस करीब करीब रहती हैं, तो इसीलिए वो लिक्विड होता है। लेकिन अगर थर्मल एनर्जी बहुत ज्यादा रहेगी, बहुत ज्यादा फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन से, तो वो गैस बनता है। जैसे H2 मॉलिक्यूल जो है वो रूम टेम्परेचर पे गैस है, तो वो हवा में उड़ता रहता है। ठीक है, तो हवा में उड़ता जाए H2 मॉलिक्यूल, तो बहुत ही अच्छा सा ही है, तो उसको गैस बोल देते हैं। अगर रूम टेम्परेचर पे फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, जो उसके अंदर थर्मल एनर्जी है, थर्मल एनर्जी को वैसे केटी भी बोलते हैं। के जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, जो लोग नहीं जानते हैं, केबीटी रूम टेम्परेचर बताता है, या थर्मल एनर्जी बताता है रूम टेम्परेचर पे। तो बहुत अच्छा एग्जांपल है, वाटर जो है लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, ये कॉपर वायर है और CO2 इज अ गैस। तो क्या डिसाइड करेगा कौन लिक्विड बनेगा, कौन गैस बनेगा, कौन सॉलिड बनेगा, वो है फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन वर्सेस थर्मल एनर्जी। जब फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन ज्यादा रहेंगे थर्मल एनर्जी से तो सॉलिड बनेगा, जब इक्विलिब्रियम में रहेंगे ऑलमोस्ट करीब करीब तो लिक्विड बनेगा, जब बहुत ज्यादा थर्मल एनर्जी मिल जाएगी तो वो गैस बन जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं मैटर। मैटर जो है जिसके पास भी वॉल्यूम है, जिसके पास मास है, वो मैटर है। तो मैटर हमारे हम मैटरों से घिरे पड़े हैं, दुनिया भर के मैटर हैं। चाहो तो अपने घर के अंदर ही झांक लेना, दुनिया भर के मैटर मिल जाएंगे। और अपने अंदर नहीं झांकना, क्योंकि आप भी एक मैटर हो, तो हम सब मैटर हैं। तो मैटर्स को केमिस्ट्री वाइज हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस। तो मिक्सचर्स क्या होते हैं, जब हम दो चीजों को मिला के कुछ बना दें तो मिक्सचर है, जैसे पानी में नमक घोल लिया तो वो मिक्सचर है। प्योर सब्सटेंसेस क्या है, जो प्योर ही होते हैं, जैसे वाटर बोल दिया। अब मैं H2O की बात करूंगा तो वो मिक्सचर नहीं है, वो H2O इज ए प्योर सब्सटेंस। क्योंकि अगर तुम चाहोगे तो मतलब H2 घुला नहीं है किसी चीज में। अब आप बोलोगे कि सर ये क्या मतलब हुआ, H2O भी तो मिक्सचर हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मैं बोलूँ तुमको मिक्सचर में NaCl और पानी को लो, तो नमक और पानी को तुमने घोला वो मिल जाएगा कम्प्लीटली, और अगर तुम उसको भाप से उड़ा दोगे तो नमक रह जाएगा। लेकिन अगर तुम H2O के साथ ऐसा करने की कोशिश करोगे तो वो नहीं कर सकते हो। तो इसको बोलते हैं फिजिकल मेथड्स ऑफ सेपरेशन, या तो फिजिकल रहे या केमिकल रहे, किसी तरीके से सेपरेट हो जाना चाहिए, तभी वो मिक्सचर है। H2O में ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास दो तरह के मिक्सचर हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेटरोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, नमक और पानी मिला दिया तो बता नहीं सकते कहाँ नमक है कहाँ नमक है, घुल गया वो पूरा। अब हेटरोजीनियस मिक्सचर क्या है, उसी पानी में रेत घोल दोगे तो बहुत इजिली आप बता सकते हो कि भाई रेत तो ये रहा, वो घुला ही नहीं, तो हेटरोजीनियस मिक्सचर ये है। अब एलिमेंट्स क्या है, कंपाउंड्स क्या है, एलिमेंट्स क्या है, जैसे कॉपर हो गया। कॉपर जो है एक सिंगल सिंगल टाइप ऑफ एटम से बना हुआ है, तो इसलिए इसको एलिमेंट्स बोलते हैं।
तो हमारे पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स हैं जो सिंगल हैं, और कंपाउंड्स तो हमारे पास में इनफाइनाइट है। पानी एक कंपाउंड है, CO2 एक कंपाउंड है, NaCl एक कंपाउंड है, तो बेसिक डिफरेंस यही है। तो मेरे हिसाब से ये काफी इजी है, लॉजिकल है, और आई थिंक 9th 10th में जो लोग पढ़कर आए हैं उनको ये चीज समझ में बहुत इजी आ जाएगी। नेक्स्ट चीज क्या है कि हमारे पास दो तरह की प्रॉपर्टीज हैं किसी भी केमिकल मॉलिक्यूल की या फिर इन जनरल मॉलिक्यूल की। वैसे तो इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं, थर्मल प्रॉपर्टीज भी होती हैं, लेकिन केमिस्ट्री वाइज हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बाकी जो थर्मल प्रॉपर्टीज हैं वो केमिकल प्रॉपर्टीज से भी ड्राइव कर सकते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, कैसा उसका रंग है, कैसा उसका स्वाद है, कैसा उसका किस टेम्परेचर पे वो मेल्ट हो जा रहा है, किस टेम्परेचर पे बॉइल हो जा रहा है, क्या उसके डेंसिटी है। तो एग्जाम्पल के लिए कॉपर की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, पानी की थोड़ी कम है। ठीक है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, कॉपर का 873 है, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट कॉपर का। तो अलग अलग चीज, अलग अलग मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं उनकी अपेयरेंस पे डिपेंड करती हैं अगर बोला जाए तो। केमिकल प्रॉपर्टीज जो है उनकी मोस्टली कंपोजिशंस पे डिपेंड करती है। अगर मैं बोलूं H2O और H2O2 अलग 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 कंपाउंड है, बिल्कुल अलग अलग कंपाउंड है, क्योंकि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। इसमें क्या हो सकता है, आप अगर उसको जलाने की कोशिश करोगे तो उसको कम्बस्टिबल बोलेंगे। रिएक्टिविटी मतलब कि वो किसी चीज से कैसे रिएक्ट करता है, वो एयर से भी रिएक्ट कर सकता है, नॉर्मल किसी भी चीज से रिएक्ट कर सकता है। तो हमारे पास ये सब एक बेसिक वो है, एक बात है जो हमें मॉलिक्यूल्स को अंडरस्टैंड करने में या फिर किसी भी केमिकल चीजों को अंडरस्टैंड करने में बेसिक हमको बताती है। अब हमारा जो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन। लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशंस में सबसे पहली है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसका मतलब क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है कि मास को तुम बना नहीं सकते हो ना बिगाड़ सकते हो, तुमको वही मिलेगा जो तुमने दिया है। सपोज कैसे संभाले, तो आप पानी को H2O को चाहे नाले से उठा लो चाहे उसको डिस्टिल वाटर ले लो, H2O ही है। यानी अगर हम 2 ग्राम H2 मतलब 2 ग्राम ऑफ H2 ये बोलेंगे कि मतलब दो, इसको अगर हम लिखेंगे, थोड़ा ये चीज मुझे बाद में बतानी चाहिए थी लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा जानने के लिए, तो मतलब अगर हम बोलेंगे कि सपोज हमारे 2 ग्राम H2 लिया और 16 ग्राम हमने O2 लिया, ठीक है, तो हमारे पास 18 ग्राम ही वाटर बनेगा, इससे ज्यादा नहीं बन सकता। तो H2O2 मिलकर जो भी ट्रांसफॉर्म हुआ उसके बराबर रहेगा, चाहे किसी को भी उठा लो, मिथेन ले लो, मिथेन में अगर तुम बोलोगे कार्बन और हाइड्रोजन ले लोगे तो 12 ग्राम कार्बन और अगर तुमने 4 ग्राम हाइड्रोजन लिया तो वो मिलके 16 ग्राम ही मिथेन बनाएंगे। लेकिन ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है कहीं पर फेल नहीं होता है इन जनरल, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन जो है यहाँ पर इसका प्रॉब्लम आता है, क्योंकि वहां पे E इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर से क्या रहता है, जो भी मास रहता है, कुछ मास जो होता है वो एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो बहुत सारे जो रेडिएशन हमारे निकलते हैं, गामा रेडिएशन या अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन, दे आर द टाइप ऑफ रेडिएशन जो न्यूक्लियर रिएक्शन में निकलती हैं और उसका इक्वलेंट जो मास का इक्वलेंट एनर्जी है उसमें वो ट्रांसफॉर्म होती है। तो हमें एक्सेप्शन भी पता चल गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन भी पता चल गया। नेक्स्ट अगर हम बढ़ते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि अगर H2 बनाना है, H2O बनाना है, तो हमें 2 हाइड्रोजन लेने पड़ेंगे और 1 ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। ये चाहे दुनिया की किसी भी जगह से पानी उठाकर लाओगे, H2O ऐसा ही रहेगा, मतलब 2:1 का रेशियो ही रहेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या रहेगा, 2:1 किसी भी पानी को उठा लो। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसी तरीके से अगर CO2 ले लोगे तो कार्बन का एक ही रहेगा और O2 2 रहेंगे, तो 1:2 का रेशियो कार्बन डाइऑक्साइड में रहेगा। या चाहे कहीं से भी ले लेना, चाहे वो सिंथेटिक सैंपल हो, चाहे वो आपने खुद बना लिया हो, चाहे आपने कहीं से उड़ा लिया हो, CO2 में 1:2 का रेशियो ही मिलने वाला है। तो नेक्स्ट अगर बोले लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का थोड़ा सा इसको लॉजिकली समझना पड़ेगा। सपोज हमारे पास ठीक है दो कंपाउंड है या दो मॉलिक्यूल हैं, एक H2O और एक H2O2 है। तो इसमें क्या रहेगा कि H2O2 जो है, H2O2 अगर तुम देखोगे तो अगर तुम बोलोगे कि H2O2 में
O2 का प्रोपोर्शन क्या है, कि मतलब क्या O2 कंबाइन कर रही है। तो अगर मैं बोलूं कि अगर H2O बनाने के लिए 16 ग्राम चाहिए और H2O2 बनाने के लिए 32 ग्राम चाहिए, तो इन दोनों का रेशियो एक नंबर होगा, एक ऐसे फ्रैक्शनल नहीं हो सकता वो। फ्रैक्शनल का मतलब यहाँ पे ये है कि 1:2 का रेशियो ही रहेगा। 16 अगर 32 को डिवाइड करोगे तो 1:2 के रेशियो में ही अगर H2O बन रहे हैं, तो वो O2 जो और उस जो H2O में ऑक्सीजन है और उस दूसरे वाले में ऑक्सीजन है, वो 1:2 के रेशियो में ही रहेंगे। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब अगर नेक्स्ट है गे लुसेक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। तो अगर उस चीज की जगह मास की जगह वॉल्यूम कर लो, तो वही गे लुसेक लॉ है गैसेस वॉल्यूम का। यानी अगर हमें बोलेंगे कि हमें कितना कितना मतलब पानी बनाना है, तो हमें कितना कितना वॉल्यूम लेना पड़ेगा। तो अगर हमें 1 मोल H2 का चाहिए और आधा मोल O2 का चाहिए, तो वॉल्यूम भी वही रेशियो फॉलो करेंगे। मतलब हमें 100 ml पानी लेना पड़ेगा एग्जाम्पल के लिए, H2 लेना पड़ेगा, और 50 ml O2 लेना पड़ेगा। तो हमारे पास टोटल 100 वॉल्यूम ही H2O बनेगा। तो ये भी एक रेशियो में, वॉल्यूम भी एक रेशियो में, वो क्या है, 1:2:1 रेशियो में। तो आई मतलब बहुत इजी तरीके से समझ में आ रहा है अभी तक जो भी कुछ है। नेक्स्ट चीज क्या है कि एवोगैड्रो लो। एवोगैड्रो लो को हिंदी में मतलब अगर बहुत अच्छे से समझाना है, तो बहुत सिंपल है कि आप एक क्या करिए कि आपने एक वो ले लीजिए, गैस ले लीजिए, और उसको एक बॉक्स में भरने की कोशिश करिए, और ऊपर से एक पिस्टन लगा दीजिए। पिस्टन ना भी लगाइए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं बोलूं कि दोनों के दोनों सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे हैं, तो अगर अगर मतलब मुझे मतलब मैंने मुझे जितना मतलब अगर मुझे उसको अगर जैसे मैंने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ा दिए, तो हमें ज्यादा वॉल्यूम चाहिए। तो वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के। यानी अगर मैं एक बॉक्स में भरना चाहता हूँ और उसका वॉल्यूम ज्यादा है, तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स भी ज्यादा रहेंगे, जितनी गैसेज रहेंगी। अगर वॉल्यूम कम है, मैंने उसको थोड़ा कम वॉल्यूम किया, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कम रहेंगे। यही एवोगैड्रो लॉ है, ठीक है। तो वॉल्यूम इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। ध्यान रखना आप जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। ये जो टेम्परेचर प्रेशर की बात की जा रही है, वो एक्सटर्नल टेम्परेचर प्रेशर है। वो आप पिस्टन से उसको दबाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप चाहो तो उस पिस्टन को दबाने की कोशिश करोगे, तो सेम वॉल्यूम पे नंबर ऑफ मोल्स मतलब वॉल्यूम आप कम करके नंबर ऑफ मोल्स सेम दे रख सकते हो। तो ये तभी पॉसिबल है जब एक्सटर्नल प्रेशर और टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है। अगर आप इंटरनल टेम्परेचर या प्रेशर की बात करने लगेंगे, तो ये चीजें नहीं वैलिड होती हैं। तो हमेशा ये एक्सटर्नल के लिए है। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करी जाए तो कैसे करेंगे। तो अगर हम बात करें, ठीक है, कि मैं बोलूं 1 मोल ही अगर मैंने इस दोनों का मतलब एक ही उसमें रखा है, तो इसकी वॉल्यूम 22.4 लीटर ही है हमेशा। 22 पॉइंट, इसको स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर बोलते हैं। अभी मैंने इसको बंद कर दिया है, तो इसमें अगर मैंने मतलब इनके मतलब अगर मैं बोलूं तो 1 मोल हीलियम मैंने भरा है एक ही टेम्परेचर पे, एक ही प्रेशर पे, तो हमारा वॉल्यूम जो है, अभी हमने इसको वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया है जानबूझ के, तो अगर हम देखेंगे तो O2 वाले में मतलब अगर हम इनको देखेंगे, तो बाय डिफॉल्ट जो है इनका मतलब हम इनको इसको मोल्स बोल सकते हैं। इसको अभी हम मोल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि मोल्स क्या है। तो मोल बेसिकली क्या है कि जो भी हमने गिवन मास डाल के, जो भी हमने उसको मोलर मास से डिवाइड करके, जो भी हमारा क्वांटिटी आ रहा है, उसको मोल बोल देते हैं। तो ध्यान रखिए ना कि वॉल्यूम जो है इसने, क्योंकि हमने बंद कर दिया है, लेकिन अगर मैंने इस गुब्बारे को खोल दिया, तो अब टेम्परेचर प्रेशर कॉन्स्टेंट नहीं है, अब टेम्परेचर प्रेशर चेंज हो गया। इसकी वजह से हमारा डिपेंड करता है कि बाहर का प्रेशर क्या है। ज्यादा रहेगा तो थोड़ा घुसने की कोशिश करेगा, नहीं तो कम हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से थोड़ा समझने वाली चीज है ये, थोड़ा समझना पड़ेगा। अब इसके बाद में हमारी आई डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या बोलती है कि हमारा कोई भी मैटर जो है, सबसे जो उसका छोटा पार्टिकल रहेगा, जो इंडिविजुअल एट वो रहेगा, वो एटम्स रहेंगे, और एटम्स अकेले एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो एटम्स की जो कहानी ये है कि वो अगर एक ही मॉलिक्यूल्स में, सपोज अगर आप मॉलिक्यूल्स की बात करो, सपोज H2O2 की बात करो, तो उसके एटम्स है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। H2O2 मॉलिक्यूल है, उसके एटम्स क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो
अगर 10 उसमें एटम्स हैं तो 10 एटम्स की उनकी खुद की अलग प्रॉपर्टीज रहेंगी, लेकिन अगर आप बोलो कि मैं H2 की बात करूं, तो अगर H2 के एटम्स की बात करेंगे तो उनकी आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज रहेंगी, मास भी आइडेंटिकल रहेंगे, ठीक है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट होता है आइसोटॉप, आइसोटॉप में मासेस डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो कम, अब ये चीज केमिकल कॉम्बिनेशन के लिए थी कि मतलब केमिकल कॉम्बिनेशंस को कैसे जस्टिफाई करें। तो कंपाउंड जब भी मिलेगा तब एटम्स को एक फिक्स रेशियो में कंबाइन करना पड़ेगा, जैसे H2O2 है तो 2:1 के रेशियो में ही कंबाइन करना पड़ेगा। और ध्यान रखना, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है बहुत अच्छे से। अगर कोई भी केमिकल रिएक्शंस हो रही है, सपोज H2O2 मिल रहा है, तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा, हम ना क्रिएट करेंगे ना ही डिस्ट्रॉय करेंगे, वो दोनों ऑलमोस्ट इक्वल रहने वाला है। तो ये काफी अच्छे तरीके से हमने समझ लिया है कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एटम्स की बात करती है, बोलती है कि अगर एक तरह का एटम, अगर किसी कंपाउंड में एक ही तरीके का एटम है तो उनकी प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी, वो उनका मास सेम रहेगा, उनका केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी। तो ये दूसरी चीज बोलती है। तीसरी चीज क्या बोलती है कि अगर कोई कंपाउंड बनना चाहता है तो उसको कंबाइन करना पड़ेगा एटम्स को, और वो भी फिक्स रेशियो में, ये नहीं है कि आप मतलब किसी भी रेशियो में कंबाइन कर सकते, वो हमेशा एक फिक्स रेशियो में कंबाइन करेगा। नेक्स्ट क्या है कि अगर केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं तो उसमें एटम्स रिओर्गेनाइज करेंगे, उसमें मास कभी भी मतलब ना तो हम क्रिएट करेंगे ना ही डिस्ट्रॉय करेंगे, हम दूसरे किसी भी रिएक्शंस में बस ट्रांसफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट चीज है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास हमेशा जो अभी स्टैंडर्ड है वो 1/12 ऑफ कार्बन है, उसको 1 एटॉमिक मास यूनिफाइड बोलते हैं, यूनिफाइड एटॉमिक मास बोलते हैं उसको, उसको AMU से डिनोट करते हैं। तो ये जो 1.665 × 10⁻²⁴ है, ये एक्चुअली में 1/12 है। 1/12 का मतलब इतने मतलब 12वां हिस्सा जो है कार्बन का उसका मास है, तो उसी को स्टैंडर्ड माना हुआ है। तो जो भी मास डिफाइन किया जाएगा इसके रिस्पेक्ट में डिफाइन किया जाएगा। तो ये सिंपल है कि हमारा स्टैंडर्ड होना चाहिए, तो वो स्टैंडर्ड हमारा क्या है, 1/12। तो अगर हम इसकी बात करें तो हमारा एक एटॉमिक मास यूनिफाइड जो है 1/12 है मास ऑफ कार्बन। तो ये 1.66056 × 10⁴ जो है ये 1/12 है कार्बन के मास के। अगर हम इसके रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन का मास डिफाइन करना पाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, उसके उससे डिवाइड कर देंगे। तो मतलब मुझे थोड़ा सा इसमें गड़बड़ लग रहा है, तो मैं एक्चुअली में ये जो है हमारा है 1.6 है, ये ऊपर वाली क्वांटिटी है, तो मैंने इसको थोड़ा सा गलती हो गई, थोड़ा चेंज कर देते हैं, कोई गलत बात नहीं है, अपनी गलती एक्सेप्ट करने में, गलती एक्सेप्ट करने से हम नया सीखने का मिलता है। तो अगर हम ऑक्सीजन की बात करेंगे तो वो, अगर हम ऑक्सीजन का मास ले लेंगे तो वो 16 टाइम्स होगा उसके रिस्पेक्ट में, कार्बन 1/12 कार्बन के रिस्पेक्ट में। हीलियम की बात करेंगे तो डबल होगा उसके रिस्पेक्ट में। तो सब उसके जो हम हमने स्टैंडर्ड लिया उसके रिस्पेक्ट में डिफाइन होगा। तो यही एटॉमिक मास है। मॉलिक्यूलर मास क्या है, जैसे हमने एटॉमिक मास डिफाइन किया तो हम उन किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। सपोज अगर हम मीथेन की बात करें तो कार्बन का जो है 12 होता है और हाइड्रोजन का एक जो होता है 1.008 होता है, तो ये यूनिफॉर्ड मास की बात है। आजकल AMU को जो अभी जो नोटेशन है उसमें U में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो ये चीज थोड़ा सा याद रखने लायक चीज है। तो मीथेन की अगर हम बात करेंगे तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास में 16 यूनिफाइड मास हो जाएंगे टोटल, वाटर में बात करेंगे तो 18 हो जाएंगे। तो बहुत इजी है, बहुत तेजी से मैं थोड़ा स्पीड से चल रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये 9th और 10th में आपने बहुत अच्छे से सीख भी लिया होगा। नेक्स्ट है फॉर्मूला मास। भाई फॉर्मूला मास क्या है, फॉर्मूला मास है एक्चुअली में NaCl जो है, जैसे कोई कंपाउंड जो है वो उसका एक डेफिनेट स्ट्रक्चर है, उन केसेस में हम मॉलिक्यूलर मास नहीं लेते हैं, उन केसेस में हम उनका फॉर्मूला मास लेते हैं। फॉर्मूला मास क्या रहता है, अगर आप NaCl की बात करोगे तो NaCl का बहुत अच्छा सा स्ट्रक्चर होता है, आप देख सकते हो उसको NCERT में, तो उसके एक फॉर्मूला यूनिट्स में कितना वो है वही उसका मास है। तो फॉर्मूला मास सॉलिड स्टेट में या जिसका डेफिनेट एक स्ट्रक्चर है उसके रिस्पेक्ट में फॉर्मूला मास रहता है। तो मोस्टली आयनिक कंपाउंड्स के लिए होता है ये, NaCl हो गया, कॉपर हो गया, इसके केसेस में फॉर्मूला मास, जिनके भी सॉलिड स्टेट टाइप स्ट्रक्चर्स रहेंगे वो हम बाद में पढ़ेंगे 12th में, 12th का फर्स्ट चैप्टर ही सॉलिड स्टेट है। तो
वहां पे आप फॉर्मूला मास के बारे में और पढ़ पाएंगे, लेकिन अभी बस इन जनरल जान लीजिए कि मोलर मास फॉर आयनिक सिस्टम्स के लिए या फिर जिन सिस्टम सॉलिड स्टेट्स का जो डेफिनेट स्ट्रक्चर टाइप होता है तो उसमें फॉर्मूला मास लगता है। अब हमारा स्टार्ट होता है मोल कंसेप्ट एंड मोलर मासेस। ध्यान रखना, एक मोल, अगर आपने किसी भी चीज का एक मोल लिया है तो उसमें इतने ही पार्टिकल होंगे, 6022 1 4076 10 to the power 23, इतनी एंटिटीज होंगी। अगर इतनी एंटिटीज होंगी तो ये हमेशा, अगर आप एक मोल हाइड्रोजन का ले रहे हो तो इतनी एंटिटीज, एक मोल ऑफ इतने मॉलिक्यूल उसमें मिलेंगे। H2O2 का ले रहे हो तो एक मोल में इतनी एंटिटीज मिलेंगी। कितनी एंटिटीज मिलेंगी? ये एंटिटीज मिलेंगी। अगर हम इसको ये देखना चाहें तो हम इसको लाइन कर देते हैं हाईलाइटर से, थोड़ा सा अपन ये इसको कर देते हैं, तो ये इतनी एंटिटीज हमको हर बार मिलने वाली है। ध्यान रखना, कैसे निकालते हैं मोलर मास? सिंपल तरीका है, जो भी उसका मास है उसको ऊपर रखो, जो भी हमें मिला है डिवाइडेड, मतलब हम टोटल नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकाल सकते हैं, पहले हमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेना। तो जो भी सिस्टम का, सपोज हम 12 कार्बन 12 सी कार्बन की बात कर रहे हैं, तो उसको जो उसका मास है उसको डिवाइड कर दो उसके एक मास से, तो नंबर ऑफ एटम्स आते हैं। ये किसी के लिए भी निकाल सकते हैं। तो अगर हम और अच्छे से इसको देखें तो एक मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम में इतने एटम्स होंगे, एक मोल ऑफ वाटर मोलिक्यूल में इतने एटम्स होंगे, इतने मोलिक्यूल्स रहेंगे, सोडियम क्लोराइड की बात करोगे तो इतने होंगे। तो बहुत ईजी है समझना, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा है परसेंटेज कॉम्पोजिशन। सपोज हम H2O2 की बात करें तो H2O2 का मोलर मास हम निकाल चुके हैं, तो वहीं से उठा लेते हैं वापस। H2O2 में क्या है, दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, तो दो को मल्टीप्लाई करेंगे उसके मोलर मास, उसके एटॉमिक मास से, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास तो 16 होता ही है। तो हम जस्ट परसेंटेज कैसे डिफाइन करते हैं, जो भी उसका मास है डिवाइडेड बाय टोटल मास मल्टीप्लाई बाय 100। तो हाइड्रोजन के परसेंटेज कितने आ गए, 11.8%। इसी तरीके से ऑक्सीजन का निकालना है तो 16 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट सिंपल। तो परसेंटेज कंपोजिशन ये होती है। ध्यान रखो, अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं तो वो कभी भी 100% से ऊपर नहीं जाएगा। दोनों का सम करने की कोशिश करोगे तो वो इतना ही आना चाहिए। तो थोड़ा अगर कहीं पे भी तुमको ये लगे तो कुछ गलत हो गया तो प्लीज थोड़ा कोशिश करना। हम थोड़ा नीचे जाते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम कीप कर लेते हैं इसको, क्योंकि इसको होना चाहिए था ऑलमोस्ट। अगर हम 88 की बात करें तो इसको 1 होना चाहिए था ऑलमोस्ट। आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं या थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है। 2-1 होना चाहिए या 2-1 होना चाहिए, 2-1 होना चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली 2-1 होना चाहिए, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी तो आप बहुत समझदार लोग हैं, कर सकते हैं, इतना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो परसेंटेज कंपोजिशन ये हैं। नेक्स्ट अगर हम मिथेन की बात करें तो सगेन हम निकाल सकते हैं, वही कार्बन का 12 हाइड्रोजन का 4, 4 बटे टोटल अगर हम करेंगे तो 16 हो गया, 12 बटे 16 उल्टा हो गया, सॉरी, ये है हमारा कार्बन का और ये है हमारा हाइड्रोजन का। तो मैंने पीपीटी थोड़ा सा जल्दी बनाई है, तो मतलब क्योंकि हमारे स्टूडेंट कुछ चाहिए था तो हम जितनी जल्दी हो सके करके दे दिया। तो 25% हमारा हाइड्रोजन रहेगा और 75% हमारा कार्बन रहेगा। तो परसेंटेज कंपोजिशंस को और इजीली हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें, एक और ले सकते हैं, मिथेनॉल ले लेते हैं, सेम ही करना है। टोटल मास निकालो, हर एक क्वांटिटी को ऊपर ऊपर रख दो, जो हमारा ये यहाँ से उठा के टोटल 46 है, 2 into 12 जो भी है, 12 डिवाइडेड बाय 46 और मल्टीप्लाई बाय 100, तो सारी कंपोजिशन हम निकाल सकते हैं। तो मेरे को नहीं लगता है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है अभी तक, आप इजीली निकाल सकते हैं। ये वाला ऑक्सीजन का है, हाइड्रोजन का नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक पे। अब हमारे बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस हैं, तो इसमें थोड़ा सा पेन इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो मैं इसको पेन ले लेता हूँ। तो अगर हम H2O2 की बात करें तो एक H2 हमारे टोटल 2 हैं, ऑक्सीजन हमारे 1/2 O2 का मतलब है एक है, तो H2O2 बैलेंस है, क्योंकि जितने यहाँ पे जितने लेफ्ट हैंड साइड है उतने राइट हैंड साइड है। इसको एक और तरीके से पढ़ सकते हो कि 1 मोल ऑफ H2 कंबाइन करता है हाफ मोल ऑफ O2 से और 1 मोल ऑफ H2O बनाता है। सेम चीज़ अगर हम कोशिश करेंगे इसकी बनाने की, मीथेन वाले की, तो सपोज अगर मैं इसको, खैर मैंने तो दिखाई दिया, तो कार्बन हमारा कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए, यहाँ पे कार्बन एक है। ऑक्सीजन हमारे कितने होने चाहिए टोटल,
यहाँ पे टोटल थे हमारे पास में, टोटल है हमारे पास में कितने, चार होने चाहिए, तो चार है हमारे पास में यहाँ पे बिल्कुल। और टू हमारे पास दो यहाँ से हो गए, और दो है यहाँ से हो गए, तो टोटल हमारे पास चार है। और एच टू हमारे पास कितने, वो भी चार है, तो वो भी चार। आप देखिए तो एच टू का मतलब ही चार होता है, तो बहुत इजी हो गया है। तो क्या हम मिथेनॉल वाला भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, मिथेनॉल वाला बैलेंस्ड है, होना भी चाहिए। अगर मैं अमोनिया की बात करूँ तो अब हमारा थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि तो अमोनिया तो नहीं है यहाँ पे, इसमें बैलेंस नहीं है, यहाँ पे तो तीन है, यहाँ पे दो है, तो ये वाला उठा के यहाँ डाल देते हैं। टोटल कितना होगा, छः हो गया। हमको दो नाइट्रोजन चाहिए, जैसे हमने यहाँ पे दो लिखा है, ये बैलेंस हो गया, क्योंकि तो हमारे पास दो नाइट्रोजन हो गए और छह हाइड्रोजन। तो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, अगर हम ले लेते हैं C2H6, और अगर हम O2 के साथ में इसको कंबाइन कर रहे हैं तो हमारा कितना चाहिए रहेगा, बहुत सिंपल है। कितना अब हमारे पास बनेगा CO2। थोड़ा ड्राइंग के पीछे मत जाना प्लीज, है ना, ड्राइंग थोड़ी खराब भी हो सकती है। H2O। तो हमारे पास टोटल कितना होना चाहिए, दो कार्बन होने चाहिए, तो इसको पहले दो कर देते हैं। हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, छह होना चाहिए, इसको तीन कर देते हैं, तो छह हो गया। अब टोटल ऑक्सीजन कितने चाहिए रहेंगे, चार और तीन सात, क्योंकि O/2 है, तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7/2 से, तभी हमारे साथ बैठेंगे। बहुत इजी था, कोई मुश्किल नहीं था। तो बहुत प्रैक्टिस करो और ज्यादा डालो, जितना तुम प्रैक्टिस करोगे उतना आपको बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन करना आएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है, अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे मोल्स में, ग्राम्स में। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे वॉल्यूम जो है वो हमेशा 22.7 होती है। इसका कैलकुलेशन अभी हम नहीं करेंगे, लेकिन बस याद करेंगे कि इतनी होती है। तो लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, 1 मोल ऑफ H2 कम्बाइन विद आधा मोल ऑफ O2 कम्बाइन करके बनाएगा 1 मोल ऑफ H2O। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी फॉलो कर रहा है, ठीक है। कैसे भाई, एक्चुअली इसमें थोड़ा गड़बड़ मैंने कर दिया है क्या, एक्चुअली हाँ, तो ये थोड़ा सा कर लेते हैं इसको। इसमें एक्चुअली में हमारा कितना होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है, 32, O2 का 32 हो गया ना, तो इसको 32 करना पड़ेगा और इसको 18 करना पड़ेगा। तो गलती सुधारते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। तो अगर हम करेंगे तो पेन ले लेते हैं भाई, पेन अपने को चाहिए, पेन अपने को मंगता है। तो 2 ग्राम H2, और ये कितना हो गया, 16 ग्राम हो गया, 32/2 16 होता है ना, तो ये 18 बनेगा। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ LOCl है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। सेम ही तरीके से वॉल्यूम भी है, तो हम चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। अब लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में बताने से पहले आपको एक थोड़ी सी कहानी सुनानी पड़ेगी। आप एक फैक्ट्री में काम करते हो, आपको किसी ने 5 हैंडल दे दिए साइकिल के, और 5 बचा हुआ पार्ट दे दिया, 10 दे दिए, ये बताओ आप कितनी साइकिल बना सकते हो। ऑब्वियस सी बात, अगर आपके पास में 5 हैंडल है और 10 बचा हुआ पार्ट है, तो हैंडल ही डिसाइड करेगा कितनी साइकिल आपको मिलेंगी, तो टोटल आप 5 ही बना सकते हो। इसी को बोलते हैं लिमिटिंग रीजेंट, और दूसरे वाले क्या बोल देंगे, एक्सेस रीजेंट। तो लिमिटिंग रीजेंट डिसाइड करता है कितना आपका प्रोडक्ट बनने वाला है, तो ये डिसाइड करता है कितना प्रोडक्ट आपका बनने वाला है। तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि अगर मेरे पास 4 ग्राम हाइड्रोजन है, 4 ग्राम O2 है, तो कितना वाटर मिल जाएगा अपने को। ऑब्वियस सी बात है, हम साइकिल पेडल वाला चीज कॉन्सेप्ट तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमको मोल्स में बात करना पड़ेगा या ग्राम्स में बात करना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगर हम बात करें तो सिंपल शब्दों में बोले, एक्चुअली मतलब इसमें थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, कर लेते हैं थोड़ा सा, तो हम इस पे ना जाके इस पे चले जाते हैं, हम वो वाला एग्जांपल ही नहीं लेते हैं। तो हमारे पास अगर ये बात की जाए इसकी, तो हमारा 1 मोल मीथेन का है, 2 मोल O2 का है, 1 CO2 का बन रहा है, 2 H2 का बन रहा है, ये बैलेंस होना चाहिए। पहला काम क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमेशा करना है, बैलेंस करना है। तो ये बैलेंस्ड है, चेक कर लेते हैं,
एक है हमारे पास में, बढ़िया। हाइड्रोजन कितना हमारे पास में, चार है। हाइड्रोजन हमारे पास चार है, ऑक्सीजन कितना हमारे पास चार है, O2 O2, हाँ तो चार हो गए। तो एक मोल मीथेन का कंबाइन करेगा 2 मोल ऑफ O2 से, और 1 मोल CO2 का बनाएगा, 2 मोल बनाएगा वाटर के। समझ में आ रहा है, बहुत इजी है। अब हम इसको मास में कन्वर्ट कर लेते हैं। मीथेन का कितना होता है, 12 × 12 + 4, 16 ग्राम मीथेन। ऑक्सीजन कितना होता है, 32 32 × 64, 64 ग्राम ऑफ O2। मतलब इसको 2 ना करके 2 हटा देते हैं, 2 नहीं चाहिए अपने को, ये भी अपन हटा देते हैं, ठीक है। 2 का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ये हटा देते हैं। 40 ग्राम ऑफ CO2, 36 ग्राम ऑफ H2O। तो 16 ग्राम ऑफ मीथेन कितना बनाएगा हमारे पास में, 16 ग्राम ऑफ मीथेन ऑब्वियस सी बात है 36 ग्राम H2 बनाएगा। यहाँ पे कोई लिमिटिंग रिजेंट था नहीं, हमने ऑलरेडी ले लिया था कि मतलब वो बैलेंस था, इसलिए 16 ग्राम मीथेन 16 ग्राम ही H2O2 बना सकता है। लेकिन मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि 8 ग्राम ऑफ मीथेन कितना बना देगा। अब मीथेन जो है, मीथेन अगर 8 ग्राम है, अगर मीथेन 8 ग्राम है, तो हमको 16 में 64 चाहिए था, तो 8 में कितना चाहिए रहेगा हमारे को, 8 में कितना और हमको इतना इतना ही मिला हुआ है। अगर 64 मिला हुआ है तो भाई 64 ग्राम वाला तो एक्सेस ही हो गया ना, मैंने मीथेन कम दे दिया आपको, तो 64 ग्राम वाला तो एक्सेस ही हो गया। तो इसकी वजह से ये लिमिटिंग रिजेंट है, ये डिसाइड करेगा। तो सिंपल सा मैथ है कि अगर 16 ग्राम का अपने को पता है 36 ग्राम पानी निकल रहा है, तो 1 ग्राम में हमारा कितना निकलेगा, 36 बाय 16, और 8 में कितना निकलेगा, 8 × 36 बाय 16, इतना ग्राम अपने को पानी मिलेगा, इतना ग्राम अपने को पानी। ये 2 नहीं है यहाँ पे, ध्यान रखना, थोड़ा लिखते हुए मिस्टेक हो गया, तो 2 नहीं है। तो बहुत सिंपल तरीके से अपन समझ सकते हैं, या एक तरीके से ऐसा है कि अगर आपके पास में पांच पांच पेन है, ठीक है, और आपको 5 पेन का प्राइस 10 रुपये है, तो 1 पेन का कितना होगा, 10/5 यानी 2 रुपये। और अगर मैं बोलूँ 3 पेन का प्राइस क्या रहेगा, 2 × 3 यानी 6 रुपये। तो ये रुपीज के टर्म्स में भी आप समझ सकते हैं, मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम्स ऑफ CO2 आफ्टर कम्बर्शन। कम्बर्शन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, मीथेन जब O2 से कंबाइन करता है तो CO2 H2O ही बनना चाहिए, ठीक है। अगेन अगर हमारे पास में 16 ग्राम मीथेन है, 64 ग्राम O2 है, 44 ग्राम CO2 है, तो कितना बनेगा। अब हमको उल्टा जाना है, हमको यहाँ से यहाँ जाना है। तो अगर हमारे पास में 22 ग्राम ऑफ CO2 है, तो यानी हमारे पास में आधा मोल ही CO2 का है। भाई 44 अगर एक है तो 22 कितना होगा, आधा, तो हमारे पास में आधा मोल ऑफ CH4 ही बनेगा, ठीक है। हमें आधा मोल चाहिए CH4 का 22 ग्राम CO2 बनाने के लिए, इसका मतलब क्या है, 8 ग्राम मीथेन ही चाहिए। तो समझ में आया, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छे तरीके से हम समझे। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये तुम्हारी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है या हमारी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, क्योंकि वो हमारी है। अगर हम अमोनिया फॉर्मेशन करते हैं, इसको हैबर प्रोसेस से बनाते हैं, मेरे को अच्छे से याद है, इसको हैबर प्रोसेस बोलते हैं। ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन होती है अमोनिया की, इसको हैबर प्रोसेस बोलते हैं, पूरा ही लिख देते हैं ना, क्या दिक्कत है, हैबर प्रोसेस। तो हैबर प्रोसेस से मोल्स हमारा क्या था, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, ये मैं बता चुका हूँ, और वॉल्यूम की टर्म्स में गिवन वॉल्यूम एंड वॉल्यूम एट STP। अगर हम N2 का निकालें तो हमारे पास में 50 है, 50 को पहले ग्राम्स में कन्वर्ट करने पड़ेगा, तो 50 कितना हमारे पास में रहेगा गिवन मास। मोलर मास कितना रहेगा अमोनिया का, वो रहेगा 14, 14 रहता है वैसे तो, इसको बोल इसका होता है 28 ग्राम्स, N2 का 28 होता है। तो अगर हम 28/50,000 करें तो इतना मोल्स हमें मिलना चाहिए। अब अगर हमें इतना मोल चाहिए, तो अगर हमें अमोनिया बनाना है, तो इसके रिस्पेक्ट में इतना मोल्स हमको मिलना ही चाहिए, तब जाके टोटल बैलेंस तरीके से फॉलो करेगा, यानी हमें 53 मिलना चाहिए। लेकिन अगर हम हमें मिला है 10 kg, 10 kg में कितना हो गया, वही 10,000, डिवाइडेड बाय 2, मतलब एग्जैक्टली 1.2 0 1 0 1 6 रहेगा, इतना होना चाहिए। तो ये एग्जैक्टली इतना आएगा, अगर आप निकालेंगे तो इतना आएगा, इतना हमें चाहिए था, इतना 53.5
53.58 × 10^2 हमें मिला इतना है, तो कौन वाला कम रह गया? यही वाला कम रह गया ना जी। अगर ये कम रह गया तो यही हमारा लिमिटिंग रिजेंट है, यही डिसाइड करेगा कि भाई कितना बनने वाला है। वो कैसे डिसाइड करेगा? कैसे कि 3 mol of H2, 2 mol of NH3 ये ऐसे कर रहा है, तो 1 mol of H2 कितना बनाएगा? 2/3 mol of NH3। तो इतना मोल H2 का कितना बनाएगा? 2/3। इसको बस निकाल देंगे तो 33.10^2 mol। और अगर हमें इसको निकालना है तो एक आराम आराम 56 kg NH3 बनेगा। अगर ये बैलेंस्ड होता तो ज्यादा बन जाता, लेकिन अभी कम बनेगा क्योंकि हमारा लिमिटिंग रिजेंट डिसाइड करता है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमने लिमिटिंग रिजेंट का कॉन्सेप्ट भी समझ लिया कि जो कम वाला रहेगा वो केमिकल रिएक्शंस, बैलेंस केमिकल रिएक्शंस में जो भी कम रहेगा वही डिसाइड करेगा कितना प्रोडक्ट बनने वाला है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसका मतलब क्या है कि सपोज मैंने 5 g NaCl डिसॉल्व किया 100 g ऑफ, या बोलो 1 L पानी में, वाटर का देते हैं ना, तो ये हमारा होगा सोल्यूट। सोल कर देते हैं, पूरा लिखना पड़ेगा क्या? सोल्यूट लिख देते हैं इसको, क्योंकि जो छोटा कम, जो कम रहता है वो सोल्यूट रहता है, जो ज्यादा रहता है वो सॉल्वेंट रहता है, क्योंकि हम उसको घोलने की कोशिश कर रहे हैं तो सॉल्वेंट हमेशा एक्सेस में रहते हैं मोस्टली, ठीक है। तो इसके इसको मोलैरिटी को समझने का बेस्ट एग्जांपल एक हमारे एनसीईआरटी में है कि हमने क्या किया, एनएएच को एक सॉल्यूशन अपने को बनाना है, 4 g को एनएएच मिला है, उसमें 250 ml अपने को पानी मिला हुआ है, हमने पानी में बना दिया है। इसमें वॉल्यूम सॉल्यूशन की ली जाती है, तो ध्यान रखना मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर पानी ले रहे हो तो जो वॉल्यूम पानी की है वही वॉल्यूम एक्चुअली में रहती है, लेकिन कुछ आपको अगर डेंसिटी मिलती है सॉल्यूट की तो आपको टोटल वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। उसका एक एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या रहेंगे? मास ऑफ एनएएच, मोलर मास ऑफ एनएएच 4/40.5 mol, कितना इसमें है, ये अपने को 250 ml मिला है, तो 250 ml का मतलब कितना होगा? 250/1000, इतना लीटर्स में रहेगा, इसलिए इसने सीधा इसको 2.50 में किया है। तो 0.250 तो अपना मोल्स पर लीटर में आएगा, और मोल्स पर इसको बोलते हैं मोल्स पर लीटर, मोल्स L-1, और इस सिंबल को बोलते हैं मोलैरिटी का सिंबल, कैपिटल M जो होता है मोलैरिटी होता है। और ध्यान, एक नई इंपॉर्टेंट चीज बतानी है, जैसे ही वॉल्यूम कोई टर्म आती है तो वो हमेशा एक टेम्परेचर पर डिफाइंड होती है, हमेशा ये रूम टेम्परेचर पे सारी चीजें हुई हैं, तो इसलिए इसको रूम टेम्परेचर पे। अगर मैं यही चीज 200 degree पे करूं तो भैया चेंज हो जाएगा, क्यों? क्योंकि वॉल्यूम जो है टेम्परेचर से इफेक्ट होती है, प्रोपोर्शनल भी हो सकता है, मतलब इस समय हम मान लेते हैं प्रोपोर्शनल होते तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, अगर टेम्परेचर बढ़ा हुआ है पानी की बात कर रहे हो तो मोलैरिटी हमेशा ऐसे डिफाइन होती है। तो नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन क्या है कि उसी एग्जांपल को ले लो, जो पहले वाले का मोल है, दूसरे वाले का मोल है, तीसरे वाले का मोल है, हमें टोटल ये 3 क्वांटिटी चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए यानी पानी मतलब कि NaOH, और यहाँ पे जो वाटर है, इनका कंबाइन करो और इन दोनों का जो भी मतलब Na का अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है जिसको XA से डिफाइन करते हैं, तो Na डिवाइडेड बाय Na प्लस NB टोटल से करेंगे तो ये इसका XA का इसका मोल फ्रैक्शन देगा, Na का मोल फ्रैक्शन देगा। सो क्या बोलेंगे? Na का मोल फ्रैक्शन या A कंपाउंड का मोल फ्रैक्शन। इसी तरीके से B का निकालेंगे तो ये B का, यानी ये हमारे मोल फ्रैक्शंस हैं। ध्यान रखना कि मोल फ्रैक्शन कभी भी एक से ऊपर नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट एक ये एक मैथमेटिक्स का एक सिंपल सा वो है कि अगर मेरे पास 2+ मैं बोलूँ 2 mol ऑफ सॉल्यूट है और 3 mol ऑफ सॉल्वेंट है तो मेरे पास टोटल कितना रहेगा? 5 mol ऑफ टोटल रहेंगे। तो मोल फ्रैक्शन निकालना है 2/5, 3/5, ठीक है, 2/5, 3/5, और इन दोनों का सम करोगे तो 5/5 का मतलब 1, तो ये कभी भी 1 से ऊपर हो ही नहीं सकता है, ठीक है। एक एग्जांपल ले ले क्या,
ठीक है, आपको एग्जाम्पल खुद करना है ये वाला। आपको मैंने बोला है कि 4 ग्राम NaCl आपने लिया और 100 ग्राम पानी लिया है, इसको वैलिडेट करना है। तो यही आज का क्वेश्चन है कि आप मोल फ्रैक्शन को वैलिडेट करना पड़ेगा। तो बाकी एनसीईआरटी क्वेश्चंस करो, पोस्ट करो, कमेंट करो, पूरा वीडियो एक ही चैप्टर एक ही बारी में मैंने पूरा एक चैप्टर पढ़ा दिया है। थैंक यू वेरी मच।